खोल के रखना चाहिए जाके कि इनकी ये जो कोशिश है, जो ये मंदिर के मुद्दे को नहीं हड़प पाए, मंदिर का मुद्दा इनका चल नहीं पाया उतना, और सारे मुद्दे इनके फेल हो गए, तो अब ये जो मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं इनको हमें फेल करना। और इसके लिए सबसे जरूरी मैं बात तो यहाँ जो CRPF के जवान खड़े हैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दरअसल ये सारे लोग जो अभी राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं, इनके लिए जवानों की कीमत मरने के बाद ताबूत में होती है। जब ये जिंदा होते हैं तो दो कौड़ी का नहीं समझते हैं। अभी पेंशन खत्म हो गई है, उसके लिए CRPF के जवान स्ट्रगल कर रहे हैं, जो न्यू पेंशन स्कीम आई है और उसके लिए जो पूरा स्ट्रगल चल रहा है, वन रैंक वन पेंशन, जिसपे मोदी ने बड़े बड़े रसगुल्ले उछाले थे कि बस आते ही हम करेंगे, उसका कुछ नहीं हो रहा। तो ये इनकी राष्ट्रभक्ति क्या है हम सभी जानते हैं, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच अपने अल्टरनेटिव मीडिया के थ्रू, अपने कैंपेन्स के थ्रू, पूरे देश भर में इनकी राष्ट्रभक्ति को नंगा करके इनकी जो आजादी में गद्दारी रही है उसको हमें निकाल के लाना होगा। इस पूरे मुद्दे के साथ ही हमें जो आवाम के जरूरी मुद्दे हैं उनको इतना बड़ा बनाना होगा कि इनके ये जो पूरी नफरत फैलाने की राजनीति है वो पूरी की पूरी धरी की धरी रह जाए, और आवाम इनको जो इनकी जगह है सही में, जो फांसीवादियों की जगह हमेशा होती है, इस इतिहास के कचरा पेटी में उठाए और वहां ले जाके फेंके। और इसके लिए आवाम के शिक्षा के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, रिहायश के मुद्दे, तमाम जो अलग अलग जगह पे आदिवासियों से लेकर दलितों से लेकर अल्पसंख्यकों के अधिकारों पे हमले हो रहे हैं, उनके मुद्दों को हमें बड़ा बनाना पड़ेगा। और इसकी शुरुआत भी हो गई है, अभी पिछले महीने हम लोग बस इसी महीने शुरुआत में हम लोगों ने एक बड़ा मार्च किया, यंग इंडिया अधिकार मार्च, उसके बाद शिक्षा हुंकार रैली हुई, लगातार बड़े बड़े प्रोटेस्ट शिक्षा रोजगार के मुद्दे को ले रहे हैं। आने वाली 3 तारीख को भी एक रोजगार अधिकार रैली है रामलीला मैदान से, उसमें भी आप लोग शामिल हो, और इन पूरे फांसीवादियों को हर जगह इस तरह के बड़े बड़े प्रोटेस्ट निकाल के मुकाबला किया जाए। और जैसा कि साथी कह रहे हैं अभी आएंगे वहां से अंदर डेलीगेट, फिर हम लोगों को यहां से डिस्पर्स कर दिया जाएगा, अपनी सभा पूरी की जाए। मैं कहूंगा हम लोग सभी लोग रुके, अपनी पूरी बात किए बिना डिस्पर्स ना हो, अपनी बात करने के लिए हमने ये सभा जमाई और उसको करें, और उसके बाद हम यहां से जाए इनकलाब।